पूरी दुनिया में अपने कल्चर ट्रेडिशन के हिसाब से अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। फेस्टिवल्स किसी ट्रेडिशन या धर्म की विशिष्ट परंपराओं को केंद्रित करता है। जैसे इंडिया में जितने भी फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, हर एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने की अपनी एक अलग वजह होती है। हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का कुछ अपना अनोखा तरीका भी होता है। जैसे मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाने की परंपरा है और होली पे रंगों से खेलने की। ऐसे ही अलग अलग धर्म में जो फेस्टिवल्स होते हैं उनके भी कुछ ट्रेडिशंस होते हैं। ज्यादातर फेस्टिवल्स धार्मिक कारणों से मनाए जाते हैं, पर कुछ फेस्टिवल्स ऐसे भी होते हैं जो लोग अपने एनवायरनमेंट के लिए मनाते हैं, या फिर लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह सके इसीलिए भी मनाए जाते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फेस्टिवल्स के बारे में बताऊंगी जो बहुत ही अनोखे हैं, और ये फेस्टिवल्स जिंदगी को एक अलग तरीके से एंजॉय करने का संदेश भी देते हैं। तो देखते हैं अब ये कौन से फेस्टिवल्स हैं और ये कहाँ पे हैं और किस तरह ये सेलिब्रेट किए जाते हैं। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल द इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूले। लेंटेन फेस्टिवल ताइवान में हर साल सेलिब्रेट किया जाने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। ताइवान के पिंगजी डिस्ट्रिक्ट में आकाश में बहुत सारे लेंटर्न्स लगा के डेकोरेट किए जाते हैं। इसमें काफी अलग टाइप के लेंटर्न्स होते हैं, जिसमें कुछ डायनासोर ड्रैगन और बटरफ्लाइज के भी होते हैं। सोचिए ये बड़े लेंटर्न्स की रोशनी रात के समय कितनी अच्छी लगती होगी, वो भी एक नहीं तो हजारों लेंटर्न्स लगाए जाते हैं। कुछ छोटे लेंटर्न्स भी होते हैं जो हिस्टोरिकल इवेंट्स का मैसेज देते हैं। इस फेस्टिवल के सेलिब्रेशन में लेंटर्न बनाना और लेंटर्न रिडल गेम्स का इवेंट भी होता है। इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर फेस्टिवल इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट इवेंट है, जो पोर्टुगल में ईयर 2003 में शुरू हुआ था। ये बहुत ही अनोखा फेस्टिवल है जिसमें लोग एंजॉयमेंट के साथ अपनी अद्भुत कला दिखाते हैं। इस फेस्टिवल में 50 टावरिंग स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं जिसमें 4 लाख टन सैंड का इस्तेमाल होता है, और इस सैंड स्कल्पचर के बनाने में 60 आर्टिस्ट अपना योगदान देते हैं, और ये आर्टिस्ट वर्ल्ड के अलग अलग जगह से आते हैं। स्कल्पचर्स बनाने का थीम होता है लोकल ट्रेडिशंस, पॉपुलर कल्चर या फिर माइथोलॉजी। कार्निवल ऑफ वेनिस कार्निवल ऑफ वेनिस इटली में सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। इस फेस्टिवल में मास्क का काफी इम्पोर्टेंस होता है। लोग अपने फेस पे अलग अलग तरह के मास्क का इस्तेमाल करते हैं। ये फेस्टिवल इतना बड़ा होता है कि 2 वीक तक ग्रैंड इवेंट चलता है, जिसमें लोग कॉन्सर्ट, स्ट्रीट परफॉर्मेंस और कैंडल लिट बोट परेड ऐसे इवेंट्स करके सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल बलून फेस्ट ये वर्ल्ड में बिगेस्ट हॉट एयर बलून फेस्टिवल है, जो न्यू मेक्सिको में अक्टूबर 1972 से मनाया जा रहा है। ये 9 डेज का लॉन्ग इवेंट होता है जिसमें कम से कम 600 बलून्स आसमान में उड़ाए जाते हैं। इस बलून फेस्टिवल में कम से कम 365 एकर एरिया बलून से ही भरा दिखता है। इस फेस्टिवल के 9 दिन में अलग अलग इवेंट्स होते हैं, जैसे आर्टिस्टिक विजन, स्पेशल शेप और बलून ग्लूज। यानी इस फेस्टिवल में यूज होने वाले बलून्स काफी अलग शेप, डिजाइन और कलर के होते हैं, और हर एक बलून पे अपने कंट्री का फ्लैग भी होता है। तो ये है दुनिया के कुछ जगह पे सेलिब्रेट किए जाने फेस्टिवल्स जो बाकी फेस्टिवल से बहुत ही अनोखे हैं। सबसे अलग बात ये है कि इन फेस्टिवल्स के पीछे कोई धार्मिक कारण नहीं जुड़ा है। ये फेस्टिवल्स सिर्फ लोगों के एंजॉयमेंट के लिए सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो अगर इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।